हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जांगिड। मैं पंकज जांगिड आपका शो पे स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कि या किसी भी टाइप का लोन हो, तो उसके आप पार्ट पेमेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पंकज जांगिड और आप देखें टेक्निकल जांगिड। सो चलिए शुरू करते हैं। एवरीथिंग चेंजेस। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं पार्ट पेमेंट हम किस मेथड से कर सकते हैं। दोस्तों पार्ट पेमेंट करने के दो तीन मेथड है। दोस्तों आप बीओबी के एप्लीकेशन के द्वारा भी पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट पेमेंट नहीं कहलाएगा। आपका पेमेंट एक बार आपके अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उसके अंदर जमा हो जाएगा, लेकिन जब भी आपकी ईएमआई आएगी उस दिन ईएमआई आपके अकाउंट से नहीं कट के जो आपने पेमेंट एक्स्ट्रा जमा करवाया है वहां से डिडक्ट हो जाएगी। सो दोस्तों, आज हम यही जानने वाले हैं कि आप अपने लोन का पार्ट पेमेंट कैसे कर सकते हैं। जितना भी आपको पार्ट पेमेंट करना है वो आप कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे, लेकिन आप दोस्तों मोबाइल के ऐप के द्वारा यह नहीं कर पाएंगे। आपको अगर पार्ट पेमेंट करना है तो आपको ब्राउजर पे आपका अकाउंट ओपन करना है, वहां से आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। सो आज इस सब के बारे में जानने वाले हैं। हमें कंप्यूटर की डिस्प्ले की ओर चलना होगा और देखना होगा कि किस तरह आप पार्ट पेमेंट करेंगे। दोस्तों पार्ट पेमेंट करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा। सबसे पहले वेबसाइट पे जाने के लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको सर्च करना है बीओबी नेट बैंकिंग। तो सबसे पहले जो लिंक आपको दिख रहा है नेट बैंकिंग बड़ौदा कनेक्शन, इसको आपको ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करते हैं तो आपको इंटरफेस कुछ आपको इस टाइप को देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आपका अगर सेविंग अकाउंट वहाँ पर है तो आपको रिटेल यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपका वहाँ पर करंट अकाउंट है तो कॉरपोरेट यूजर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसा कि हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों बीओबी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपना अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे। जब दोस्तों वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी लगाना है और आपके अकाउंट को लॉगिन करना है। तो मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। जब दोस्तों वेबसाइट ओपन हो जाती है तो इंटरफेस कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपके अकाउंट की डिटेल्स रहेगी, आपके लोन अकाउंट की डिटेल्स रहेगी। तो उसके बाद पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसफ़र ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो इनिशिएट पेमेंट है इसके अंदर ओवन अकाउंट ट्रांसफ़र ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इंटरफेस इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा फ्रीक्वेंट टाइम, यहाँ पे आप वन टाइम करना चाहते हैं या क्या क्या करना वो देख सकते हैं। जैसे एक बार आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको आपका अकाउंट सेलेक्ट करना है, कौन सा अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जिस भी अकाउंट में आप पेमेंट करना चाहते हैं वो अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि इस कस्टमर आईडी से जितने भी लोन चल रहे होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हम किसी भी, जैसे ये तो हमारे सेविंग अकाउंट का नंबर आ रहा है, उसके बाद हम लोन अकाउंट सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने, जैसे जो भी पेमेंट आपको इसके अंदर करना है, एडवांस पेमेंट करना है, वो जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपीज़ कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं या जितना भी करना चाहते हैं, रिमार्क में आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक तो लिखा हुआ है एडजस्ट अगेंस्ट फ्यूचर ईएमआई, यानी कि आने वाली ईएमआई के अंदर एडजस्ट हो जाना चाहिए, या प्री पेमेंट प्रिंसिपल, यानी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर इतना अमाउंट जमा हो जाना चाहिए। ये दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पैसे पहले ईएमआई से पहले जमा कराना चाहते हैं, आपके पास पैसा आ गया है, तो आप इसके द्वारा भी जमा करा सकते हैं, आपकी ईएमआई में भी डिडक्ट हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं आपके अकाउंट में लग जाएंगे, तो आप पहले भी जमा कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप पार्ट पेमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे प्री पे प्रिंसिपल पे क्लिक रखना है, तभी आपका जो अमाउंट है वो आपके पार्ट पेमेंट में जमा होगा, अदरवाइज वो आपके ईएमआई में एडजस्ट हो जाएगा। सो इस पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे आप जब क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अमाउंट बता रहे हैं इतना वन टाइम आप जमा कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड लगाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो अकाउंट से बैलेंस है वो आपके लोन अकाउंट के प्रिंसिपल के अंदर चला जाएगा। सो दोस्तों इस तरह आप किसी भी, आपका लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, तो आप अपना पेमेंट ऑनलाइन पार्ट पेमेंट जमा कर सकते हैं। सेकेंडरी जो थिंग है दोस्तों पार्ट पेमेंट करने की, वो होती है ब्रांच के द्वारा। तो ब्रांच में भी अगर आप कोई पेमेंट जमा कराना चाहते हैं आपके लोन के अंदर, तो आपको उन्हें बताना होगा कि आपको पार्ट पेमेंट करना है या आपके ईएमआई में एडजस्ट करना है। अगर आप उन्हें नहीं बताते हैं पार्ट पेमेंट करना है तो वो आपकी ईएमआई के अंदर वो जमा कर देते हैं और आने वाली फ्यूचर ईएमआई के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। तो कभी भी ब्रांच में अगर आप पेमेंट करना जाएं तो आप उन्हें पहले बता दीजिए, क्योंकि हमें
पार्ट पेमेंट करना है। सो दोस्तों इस तरह आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जान गए होंगे बीओबी के अंदर आप किस तरह पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आगे हमारे चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियो डे टू डे लाते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।